हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेज हमसे जानना चाह रहा है कि डूमा क्या था और ये कितना successful था? तो, है, है तो चलिए अब हम समझते हैं डूमा के बारे में तो रशिया के जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे जिनका कि नाम जार था उन्होंने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया था जिसे कि डूमा कहा जाता था अब जो डूमा था उसके मेंबर्स कहाँ के थे तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे तो ये हमने समझा डूमा के बारे में अब हम चलते हैं ये देखने कि डूमा कितना सक्सेसफुल था तो जार ने जो फर्स्ट डूमा स्टैब्लिश किया था उसे 75 डेज में ही खत्म कर दिया था थ्री मंथ के अंदर फिर से एक नया डूमा का उनने किया और उन्होंने थ्री मंथ के अंदर एक नए डूमा को री इलेक्ट किया था क्वेश्चन कि कि उन्होंने डिसीजन कैसे लिया उन्होंने एक काम कैसे किया और जब थर्ड डूमा की बात आई तो थर्ड डुमा में तो जार ने सिर्फ जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे उनको ही रख लिया और जो वोटिंग राइट्स थी उसे भी बदल दिया तो जिससे कि हमें यह समझ में आता है कि डूमा लार्जली अनसक्सेसफुल था तो दिस इज ऑल अबाउट द डूमा एंड हाउ फार इट वॉज सक्सेसफुल आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक